हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा इज़ डायरी। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज है जमाई षष्ठी, तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि हमारे घर पे क्या सेलिब्रेशन हो रहा है। एज सच कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना का टाइम है और हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं बस दिखाने वाली हूँ कि आज का दिन हम लोगों ने कैसे स्पेंड किया। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, और बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी बुनान का ऑनलाइन क्लास ख़त्म हुआ है, तो मैं अभी उसको ब्रेकफास्ट खिला रही हूँ। और उसको देखिए, यहाँ पे बस कैमरा उसको दिखना चाहिए। कैमरा दिखने से उसकी मस्ती चालू हो जाती है, कुछ बात करे जा रहा है। और ये उसका एक्चुअली सिर्फ कैमरा देखने से नहीं, उसका दिन भर ये नॉनस्टॉप चलते रहता है। और अभी मैं यहाँ पे पेड़ों में पानी देने के लिए आई हूँ। पुदीना का पेड़ है, देखिए इसको मैं अपने घर से लेके आई थी। इस पेड़ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरा अभी बहुत ज़्यादा शौक हुआ है कि मैं थोड़े घर पे पेड़ पौधे लगाऊं, तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। तो मैंने कुछ ऑर्डर भी दिया था अमेज़ोन से, तो वो आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। यह एलोवेरा पेड़, इसमें भी पानी दूँगी। गुड बॉय दीचो। और ये है तुलसी का पेड़, इसको मैंने एक्चुअली यहाँ पे लगाया नहीं था। इसका बीज इस मिट्टी में गिर गया था, तो एलोवेरा के पॉट में, तो ये ऑटोमेटिकली ये बढ़ने लगा। और एलोवेरा का जो पेड़ है वो और बढ़ नहीं पा रहा है। हमारे दूसरे रूम में तुलसी का पेड़ ऑलरेडी है। ये वो पेड़ है जो बुनान ने अपने हाथों से लगाया था। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक किट परचेज़ की थी, तो उसमें ही आया था। लेकिन ये पेड़ कौन सा है मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। হ্যালো কালকে কি করতে যাবে, কি পড়েছো? আমি এখন দুলমন দেখতে যাব। আর ব্যাটম্যান জামা পড়েছো দেখো। একটু পেছনে যাও, পেছনে যাও, পেছনে যাও, আমি দেখাচ্ছি, পেছনে যাও। কি জামা পড়েছো তুমি আজকে? ব্যাটম্যান জামা পড়েছো। হ্যাঁ ব্যাটম্যান জামা পড়েছি। ठीक है, चल बाय बोलो। बाय। तो आज के दिन हम लोग खास कुछ कर नहीं रहे हैं फिलहाल, ज्यादा कुछ बनाना है नहीं क्योंकि कोरोना का टाइम है और कहीं जाना भी नहीं है, किसी को आना भी नहीं है। तो हमारे घर पे आज मेरी और मेरी सासू माँ का उपवास है, तो हम लोग उपवास करने वाले हैं। और बाकी बुनान और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी कुछ खा लेंगे, मींस बॉयल्ड राइस और बॉयल्ड सब्जी बना के दे दूंगी तो वो खा लेंगे, मतलब बंगाली में जिसको शेद्दोबाद बोलते हैं, तो वो बना के दे दूंगी तो वो लोग खा लेंगे। तो बस आज कुछ काम है नहीं, तो मैं आप लोगों के साथ अभी एक एंटी हेयर फॉल रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं आज लगाने वाली हूँ। मैं कुछ हफ्तों से लगा रही हूँ उसको, बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे मतलब बालों पे। तो अगर आपको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपको सूट करेगा तो अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छे से सूट करता है वो रेमेडी। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैंने अभी बुनान को नहला दिया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने ये क्रीम लगाया था उसको, ये ममा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम है। ये मैं बुनान को 8 मंथ्स प्लस से लगाती हूँ, बहुत अच्छी क्रीम है, कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है और रीजनेबल भी है।
तो मैं यही लगाती हूँ, अच्छी क्रीम है। अगर आपका बेबी 8 मंथ प्लस है और उसको मतलब उसका स्किन ड्राई है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ, अभी होम रेमेडी दिखाती हूँ और आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, शायद आपको भी थोड़ी सी मतलब काम में आ जाए वो। इसके लिए हमें चाहिए होंगी कलौंजी और मेथी सीड्स। कलौंजी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया था और मेथी सीड्स भी 2 चम्मच लिया था। अब आप अपने बालों के हिसाब से बालों के लेंथ वाइज ले सकते हैं। और मैंने इसको कल रात को अलग अलग से भिगो के रखा था गर्म पानी से, फिर नेक्स्ट दिन मीन्स आज सुबह मैंने इसको छान के इसका पानी और इसका जो सीड्स है वो अलग कर लिया था। सीड्स को मैंने पेस्ट कर लिया था, देखिए ये है कलौंजी और मेथी सीड्स का पेस्ट। फिर दही ये ऑप्शनल है, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप डाल सकते हैं। और कैस्टर ऑयल, इसका कैस्टर ऑयल या कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल लिया है। तो अभी इसके साथ हमें मिक्स करना है दही। दही मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ 2 चम्मच, और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल। इसका जो पानी आपने छान के रखा था उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप एक स्प्रे बोतल में भर के रख सकते हैं। वो 4 से 5 दिन तक अब भी अगर आप रख दें तो उसके बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बट मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये लगता है तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। आपको इसको इस तरीके से अपने स्कैल्प में लगाना है और फिर पूरे बालों पे आपको लगाना है, और फिर इसको आपको 1 घंटे तक रखना है और उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर से धो लेना है। और मैं 100% गारंटी देके बोल सकती हूँ कि डिफरेंस आपको फर्स्ट डे में ही दिखेगा, क्योंकि मुझे डिफरेंस दिखा था कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो आपको फर्स्ट डे पर ही कंपैरेटिवली दिखेगा कि आपके कम बाल झड़ रहे हैं। अभी देखते हैं जमाई षष्ठी का थोड़ा बहुत जो रिचुअल हमारे घर पे हुआ था वो है ये। मेरी सासू माँ बुनान को शार्ट कर रही है, ये जो अभी कर रही है उसको शार्ट करना बोलते हैं, तो अभी वो कर रही है और मैं भी अभी नहा के आ गई हूँ, तो उनका हो जाने के बाद फिर मैं उसको शार्ट करूँगी। तो अभी आप मेरे बालों को देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है और ये स्मूथ भी हो गया है बहुत ज़्यादा। तो आपको ये फर्स्ट वॉश में ही आपको ये डिफरेंस पता चलेगा, आप भी एक बार घर पे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कितना बेनिफिशियल लगा। तो मैं ऐसे वीडियोज़ और लाऊँगी होम रेमेडीज़ के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और अगर आपको कुछ भी सजेशन शेयर करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूंगी मैं आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।